I'll introduce myself first. I am Vinita Vyas. I am working as senior manager in logistics division of GFE Group. Now, what is GFE Group? GFE kya hai? So, Global Federation of Entrepreneurs kya hai? Global Platform of Entrepreneurs is a global platform for knowledge, networking, trade, and sports. It is world's fastest growing organization and India's biggest business network for business training and support. आज जो हम वेबिनार ले रहे हैं, आज का जो वेबिनार है, इट इज पावर्ड बाय GFE ग्रुप। ये वेबिनार स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहूंगी। आप लोगों में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो माइक से कनेक्टेड नहीं हैं। अगर वो कनेक्ट नहीं होंगे तो हमारा वेबिनार नहीं सुन पाएंगे। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी लोग हैं जो माइक से कनेक्टेड नहीं है, प्लीज कनेक्ट कर लीजिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है सो आप चैट विंडो में जाके अपना हैंड रेस कर सकते हैं, या आपको कोई क्वेरी है सो आप चैट में उसे लिख सकते हैं। सो आई ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मैं सभी का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। पहले हम ये वेबिनार थोड़ा सा कंडक्ट कर लेते हैं, देन इसके बाद हम एक क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए भी रखेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है आप उस सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। ऑलराइट, तो वी विल स्टार्ट दिस वेबिनार नाउ। These are the certificates. ये certificates हैं जो Global Federation of Entrepreneurs को मिले हैं। Indian Glory Book of Record certificate है, ISO certification है, then certification of data security है। जैसे clients हैं हमारे, participants हैं, इनका data जो है वो secure रखने के लिए भी हमें जो है certify किया गया है। So we are certified for that. And certificate of registration GMP, goods manufacturing practice का भी हमें certification मिला है। Global Federation of Entrepreneurs, world's fastest growing organization and India's biggest business network for business training support. Then India Glory Book of Records में हमें fastest growing global chamber of India का award मिला है। Then we have presence in 50 plus cities and 20 countries. 50 plus cities में हमारा presence है and 20 countries में है। 10,000 plus business owners को हम अब तक trained कर चुके हैं। Then being awarded best Exim training organization for last 4 years. हमें last 4 years से best export import training organization का award मिल रहा है। Biggest network of farmers, traders, suppliers, custom house agents and freight forwarders. Monthly 25 plus business events we conduct in all India. जिस तरह से आज एक वेबिनार है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो करियर ओरिएंटेड वेबिनार है इन फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसी तरह से हमारे 25 प्लस बिजनेस वेबिनार्स जो हैं एवरी मंथ हो रहे हैं। Then 100 plus industry experts are working with this organization. 100 plus industry experts हैं जो अलग अलग फील्ड में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स SCM इसमें ट्रेंड है। ये सारे GFE ग्रुप से कनेक्टेड है। Then we come to supply chain management. आज का जो वेबिनार है वो हमारा है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से ग्रोथ होती है इस इंडस्ट्री में, किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, किस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, उसी के रिलेटेड आज ये वेबिनार है। सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप में से किसी से पूछना चाहूंगी, कोई मुझसे शेयर करना चाहेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है? एनी वन ऑफ यू, आप हैंड रेस कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। यस वारिस। यस मैम, द सप्लाई चेन मींस दैट द इट्स ओनली द दैट द रॉ मटेरियल्स दैट कन्वर्टेड इनटू द फिनिश्ड गुड्स एंड इट विल बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, दिस कॉल्ड द सप्लाई चेन। वेरी गुड वारिस, आपने तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर किया है। सो आपने ये कहीं पे पढ़ा है या आपके कोई सब्जेक्ट से या आपने इंटरनेट से नॉलेज लिया है अबाउट सप्लाई चेन? No, ma'am. I'm pursuing MBA in supply chain management only. Okay. In Lucknow, and that's why I'm taking this online training. Okay. For the future purpose, for the resume purpose only. Okay, so you are doing MBA in logistics and supply chain management. Yes, with in association with the Safe Educate, India's largest training. Yes, ma'am. Safe Educate, part of Safe Express.
Yes, and safe part of safe. Yes. Okay. So, वारिस आप शेयर करना चाहेंगे, यहाँ पे कई पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके साथ आप शेयर करना चाहेंगे, आपने MBA लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ही क्यों स्टार्ट किया, आपने क्यों इस फील्ड को चूज किया आपने लिए, व्हाई यू हैव चोजन दिस फील्ड? मैम, आई हैव चोजन दिस फील्ड बिकॉज दिस इज अ व्हील इंडस्ट्री इन द करेंट पॉइंट इन द करेंट एरा ऑफ द एवरी वर्ल्ड इन द दिस ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली अबाउट द एवरी इंडिविजुअल हैज having the own contribution of the for export and import of the product and services, and this is very beneficial for every individual because without export import they can't purchase or buy, and this is a very very crucial in this era because this industry will be boost and the current economics will be also improved. Okay, okay. So do you agree that this is the fastest growing industry of world? Yes, ma'am. Sure, this is the fastest because it's in coming upcoming days, this kind of education will be very beneficial for us. Right, because what is the importance of logistics and supply chain industries that I'll tell you. Thank you, Varis, for sharing your thoughts with us. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. So what is supply chain management? जैसे वारिस ने भी हमारे साथ अपने thoughts share किया. Actually, supply chain management is a material management. कोई भी product जब बनता है तो directly market तक नहीं आता है. Market तक आने के लिए उस product को कई process के through आना पड़ता है और उसके बाद ये market तक हम जैसे customers तक ये चीजें पहुंचती है. So material management क्या होता है? कोई भी product जब बनता है उसके लिए एक raw material का requirement होता है. Raw material बनने के बाद जो है एक manufacturing unit के पास आता है. Manufacturing unit से ये प्रोडक्शन होने के बाद एक वेयरहाउस में जाता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, देन रिटेलर्स के पास जाता है, सप्लायर्स के पास जाता है, देन ये मार्केट तक रीच करता है कस्टमर्स तक. तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस फॉर मूविंग ऑफ गुड्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन. मतलब जहां पे ये प्रोडक्ट बना है, जहां पे इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है, वहां से लेके मार्केट तक पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक ये प्रोडक्ट पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है, इट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. This is supply chain management. Supply chain management is the handling of the entire production of a good or service to maximize quality, delivery, customer experience, and profitability. Supply chain management is also called the art of management of providing the right product at the right time, right place, and at the right cost to the customer. Supply chain management सिर्फ जो है material का एक flow नहीं होता है, उसका एक aim होता है, एक purpose होता है supply chain management को follow करने का. वो purpose होता है कि एक right product जिसकी requirement market में है, उसको right time पे मतलब जब उसकी demand ज्यादा है, right place पे मतलब जहां पे उसकी requirement है, and right cost पे मतलब उसका cost बहुत ज्यादा ना हो जाए, इस तरह से पूरी चीजों को ध्यान रखते हुए एक सप्लाई चेन प्रोसेस फॉलो होता है एंड वहां से ये चीज पहुंचती है कस्टमर तक जो एक डेस्टिनेशन होता है प्रोडक्ट के लिए. नीचे आप देख सकते हैं, जैसे नीचे एक डायग्राम हमने दिखाया है, उसमें है सप्लायर्स हैं, मतलब जो रॉ मटेरियल्स होता है उसको सप्लाई करते हैं, जो फिनिश गुड्स में रिक्वायरमेंट होता है रॉ मटेरियल का, वहां से वो चीज आती है एक मैन्युफैक्चरर के पास. एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास जब प्रोडक्ट बन जाता है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास. डिस्ट्रीब्यूटर से ये चीज आती है एक रिटेलर के पास, मतलब शॉप्स है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन होते हैं, हम वहां जाके सारा प्रोडक्ट ले सकते हैं. जैसे अगर दवाइयां लेनी है, मेडिसिन हैं, तो हम मेडिकल शॉप पे जाते हैं. अपरल्स लेने हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, तो हम मॉल्स में जा सकते हैं, शॉप पे जा सकते हैं. FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, तो हम मॉल में भी बहुत ज्यादा आजकल ग्रोसरी का जो है पूरा एक मार्ट रहता है, हम वहां जा सकते हैं. छोटी किराना शॉप्स है छोटी, हम वहां पे ग्रोसरी शॉप्स, हम वहां पे जाके ये चीजें ले सकते हैं. अगर हमें शूज लेने हैं तो शूज की शॉप होती है. लाइक हर एक के लिए एक रिटेलर शॉप एक डेस्टिनेशन होता है, वहां जाके हम ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं. एंड देन टेलर से ये चीज आती है एक शॉपर के पास, मतलब हम जैसे लोग, आप और हम जैसे क्लाइंट्स कस्टमर्स जो होते हैं, हम यहां पे जाके शॉपिंग करते हैं.
दिस इज सप्लाई चेन एंटिटीज. ये सप्लाई चेन एक प्रोसेस होता है जो मैंने अभी आपको वर्बली बताया, वो अब आप एक डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. मैंने आपको वर्बली बताया कि किस तरह से रॉ मटेरियल जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाता है और किस तरह से प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंचता है. तो ये एंटायर प्रोसेस है इसका. ये सप्लायर है जो प्रोवाइड करते हैं ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोवाइड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स. देन इसके बाद आता है एक मैन्युफैक्चरर. प्रोडक्ट बनने के बाद मेकर ऑफ प्रोडक्ट्स. मैन्युफैक्चरर क्या होता है? वो होता है मेकर ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट बनाने वाला, जहां पे प्रोडक्ट बनता है. देन बनने के बाद ये प्रोडक्ट को हम किसी घर में या छोटी सी जगह पे स्टोर नहीं कर सकते हैं. प्रोडक्ट इतनी ज्यादा क्वांटिटी में होता है कि हमें इसे एक बड़े ह्यूज वेयर हाउस की या हमें एक बहुत बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है. तो वेयर हाउस में हम ये प्रोडक्ट को स्टोर करते हैं. तो वेयर हाउस होता है एक स्टोर्स प्रोडक्ट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड. जब किसी प्रोडक्ट का मार्केट में रिक्वायरमेंट नहीं होता है, अगर वो प्रोडक्ट बन गया है लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा है हमारे पास, तो हम उसे वेयर हाउस में स्टोर कर सकते हैं. जब तक मार्केट में आगे उसकी जरूरत नहीं है तब तक हम वो प्रोडक्ट को वेयर हाउस में ही रखते हैं. देन वेयर हाउस से ये चीज जाती है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के पास, हु कलेक्ट्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट टू रिटेलर्स. डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स वो होते हैं जो एक मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट आने के बाद उसे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वहां से वो चीज एक रिटेलर के पास जाती है. देन उसके बाद रिटेलर के पास जो आता है वो चीज होती है सेल्स मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स. रिटेलर वो होता है जो कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करता है. देन उसके बाद लास्ट प्रोसेस है सप्लाई चेन की, लास्ट एंटिटी है कंज्यूमर. यूजेस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, मतलब जो भी प्रोडक्ट बन के मार्केट में आया है उनको जो यूज करते हैं वो कंज्यूमर होते हैं. आप सभी ने टर्म सुना होगा, जब भी हम इस इंडस्ट्री का नाम लेते हैं तो हम ये नहीं कहते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंडस्ट्री है. वी ऑलवेज यूज टू से, हम हमेशा कहते हैं लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. इस इंडस्ट्री का नाम इसी तरह से लिया जाता है, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन. सो वॉट इज लॉजिस्टिक्स, राइट? लॉजिस्टिक्स क्या होता है, किस तरह से हम जो है लॉजिस्टिक्स का रोल जस्टिफाई करते हैं सप्लाई चेन इंडस्ट्री में, वो हम देखते हैं इसमें आगे. This is logistics. आप देख सकते हैं नीचे बहुत सारे pictures हैं, इससे आपको idea आ सकता है कि logistics क्या होता है. Logistics is the term which generally means the management of transportation of information from one place to another. Logistics involves things like transportation, inventory, packaging, supplies and sometimes social security and warehousing. Basically logistics क्या होता है? Logistics is basically you know, an organized transportation. हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ transportation, an organized transportation. That means logistics simply transportation नहीं होता है कि हमने किसी product को जो है एक truck में या एक ship के through हमने load कर दिया और वो product अपने destination तक पहुंच जाएगा. This is not logistics. Logistics ऐसा नहीं होता है. Logistics एक organized transportation होता है, मतलब उसमें product जो है वो किस तरह से different different mode of logistics के through जाएगा, different different mode of transportation होते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि वो क्या होते हैं. प्रोडक्ट जो है पूरे प्रॉपर पैकेजिंग के साथ जाएगा एंड सोशल सिक्योरिटी के साथ, ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो. तो ये जो प्रोसेस होता है ये लॉजिस्टिक्स प्रोसेस होता है. देन दिस इज ट्रांसपोर्टेशन एंड यू कैन कॉल लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स क्या होता है, आप इसमें पिक्चर्स भी देख रहे हैं, बहुत इजीली आप देख पा रहे हैं. दैट ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन is the movement of humans, animals and goods from one location to another. In other words, the action of transportation is defined as a particular movement of an organism or thing from a point A to a point B. That means transport जो होता है वो कोई भी movement हो सकता है, वो किसी animals के through भी हो सकता है, वो किसी humans के through भी हो सकता है और vehicles के through भी होता है. अगर कोई भी product है, अगर कोई person जो है वो bike पे carry करके एक destination से दूसरे origin से destination तक लेके जा रहा है, तब भी वो ट्रांसपोर्टेशन है. एनिमल्स के थ्रू होता है, जैसे आप देखते हैं कैमल्स है, हॉर्स है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये एनिमल्स यूज होते हैं, तब भी एक ट्रांसपोर्टेशन है. देन गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, कोई भी प्रोडक्ट अगर मूव हो रहा है अपनी जगह से मार्केट तक पहुंचने के लिए तो इट इज ट्रांसपोर्टेशन. देन देर आर डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं एयर, रोड, वाटर, रेल एंड पाइपलाइन.
एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, आप देख रहे हैं फ्लाइट्स के थ्रू होता है. एक्चुअली एयर के थ्रू जो है हमारे इंडिया में अभी सिर्फ 1% ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है और हर कोई कंपनियां जो है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकती है. एंड 63% जो है वो रोड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे कंट्री में. रोड 63 मतलब सबसे कन्वीनियंट है. आप देखते हैं मैक्सिमम हाईवेज पे आप देखोगे सारे ट्रक्स जो है वो लोडेड रहते हैं, या आप दूसरे जो है व्हीकल्स देखोगे जो गुड्स कैरी कर रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट जो है वो जो कैरी कर रहे हैं तो वो सारे रोड के थ्रू होता है. तो 63% हमारे इंडिया में रोड के थ्रू होता है. देन वाटरवेज, वाटरवेज के थ्रू जो है शिप्स जो देखते हैं आप उसके थ्रू भी होता है, लेकिन इसका परसेंट भी थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है. अगर कोई प्रोडक्ट शिप के थ्रू मूव कर रहा है पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन तक जहां उसे पहुंचना है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम लगाता है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग. लेकिन वाटरवेज इज द चीपेस्ट वे, वाटरवेज जो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन होता है. इसमें बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है एज कम्पेयर टू रोड एंड एयर. देन रेल ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज के थ्रू भी ट्रांसपोर्टेशन होता है. हम देखते हैं गुड्स कैरेज ट्रेन, हम सबने देखी है मालगाड़ी जिसे कहा जाता है, तो रेल के थ्रू भी 33% इंडिया में जो है वो रेल के थ्रू होता है आज ट्रांसपोर्टेशन. एंड इट इज द सेफेस्ट. एंड पाइपलाइन के थ्रू होता है. बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि पाइपलाइन के थ्रू किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है. पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इज एक्चुअली अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन. ये अंडरग्राउंड तरीके से होता है. लिक्विड लिक्विड कोई चीज है या गैसेस है तो ये अंडरग्राउंड जो है वो जाती है, लेकिन इसे भी हम पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स कहते हैं, पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. देन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री का, दैट इज वेयर हाउसिंग. वेयर हाउसिंग क्या होता है? वेयर हाउसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री में. अगर हम कहें तो बहुत सारे लोग आज इस पे कोर्स भी कर रहे हैं. वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट पे डिफरेंट डिफरेंट कोर्स मार्केट में अवेलेबल है जिसे आप कर सकते हो और करते हैं, क्योंकि वेयर हाउसिंग एक अपना अलग सेक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है. बहुत सारे लोग हैं आज वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट में अपना करियर बना रहे हैं. तो क्यों, क्या रीजन है? सो वॉट इज वेयर हाउसिंग, हम ये समझते हैं. सो वेयर हाउसिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग गुड्स which are to be distributed later. A warehouse is defined as any place which is used in the accumulation of goods. मतलब वेयरहाउसिंग जो है एक प्रोसेस होता है किसी भी मटेरियल को स्टोर करने का जिसे हमें बाद में डिस्ट्रीब्यूट करना है. दैट मींस मटेरियल जब आता है बनने के बाद, एक फिनिश गुड्स बनने के बाद एक वेयरहाउसिंग में हम उसे रखते हैं, एंड उसको जब जरूरत होती है तभी वो वेयरहाउस से मूव होता है, अदरवाइज वो प्रोडक्ट वेयरहाउस में ही जो है वो स्टोर किया जाता है. Then why is warehousing important? Warehouse important क्यों है? So warehousing is important for businesses that import, export, transport and manufacture goods. Warehouse उनके लिए बहुत ज्यादा important role play करता है जो business करते हैं, जो import करते हैं products India के अंदर मंगवाते हैं, export करते हैं, India से बाहर product जा रहा है, transport करते हैं किसी product को, या कोई चीज product बनाते हैं, manufacture करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा warehousing बहुत ज्यादा important होता है. Then warehousing helps you ensure that your customer receive their orders on time. Warehousing जो है वो ensure करता है कि जो customer है उनको order जो है वो time से मिल जाए, और वो तभी मिलता है जब warehousing में जो process होता है वो बहुत systematic तरह से follow किया जाए. बहुत सारे लोग हैं आप में से और हम में से जिन्होंने बड़े बड़े जैसे बहुत सारा जो है brands है, आप वहां पे जाते हो उनके वेयरहाउसिंग जब आप देखते हो तो उन्होंने एक प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से जो है एक वेयरहाउसिंग में स्टोर किया हो सकता है. तो उस तरह का जब मैनेजमेंट होता है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट रैक्स होते हैं और जो है सेक्शंस होते हैं, तब ये प्रोडक्ट बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कस्टमर तक बहुत फास्ट तरीके से पहुंच सकता है. जैसे वेयरहाउसिंग में इस तरह से नहीं होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसे सिर्फ हमने एक जगह पे जो है वो स्टोर कर दिया, ऐसा नहीं होता. एक डिफरेंट डिफरेंट रैक्स होते हैं, लाइक मेडिसिन का एक अलग कंपार्टमेंट होता है, पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल गुड्स, देन ऑटोमोबाइल पार्ट्स का एक अलग होता है. सो इस तरह से वेयरहाउसिंग जो है पूरा सिस्टमैटिक सिस्टम फॉलो करते हैं. एंड वहां का जो टेम्परेचर होता है वो जो है एटमॉस्फेयर से इस तरह से मैनेज किया जाता है ऑटोमेटिक कि वहां पे जो प्रोडक्ट्स है उन्हें किसी भी तरह का डैमेज ना हो.
right? And it helps you ensure that your customer receive their orders on time. एक तो time पे मिलता है, keeping everything organized in one place. वहाँ पे सारी चीज एक ही जगह पे बहुत अच्छे से organized होती है, जो आपका money and आपकी productivity को काफी अच्छे से store करती है, save करती है. मतलब आपका पैसा बहुत खर्च नहीं होता है. Otherwise अगर product एकदम mix up हो गया है, damage हो गया है product, या delay से पहुँच रहा है market में, तो आपके लिए ये काफी loss हो सकता है. लेकिन warehousing management जो है वो ये सारी चीजों का जो है risk level काफी रिड्यूस कर देती है. देन ये पिक्चर आप देख सकते हैं वेयरहाउस का, आप देख रहे हैं. सेकेंड पिक्चर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे, फर्स्ट राइट हैंड साइड पे जो पिक्चर है, इसमें कितना सिस्टमैटिक तरीके से एक वेयरहाउस दिखाया गया है. ये वेयरहाउस इंटरनेशनल वेयरहाउस भी है, नीचे आप देख रहे हैं वो इंडियन वेयरहाउसेस भी है. दैट मीन्स इंडिया में भी आज वेयरहाउसिंग सिस्टम जो है वो उतना ही ऑर्गेनाइज हो रहा है जितना अब्रॉड में इंटरनेशनल लेवल पे लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में वेयरहाउसेज होते हैं. हमारे इंडिया में भी अभी काफी सिस्टमैटिक होता है, नीट एंड क्लीन वेयरहाउसेज होते हैं और एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चीजें रखी रहती है. आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो विद इन 5 मिनट्स आप उसकी इन्वेंट्री एंड उसका रैक चेक करके आप वो प्रोडक्ट वहां से मूव कर सकते हैं. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ वेयरहाउस. वेयरहाउस इस तरह से होते हैं, मोस्टली आप में से कई लोगों ने देखा होगा ये सिटीज के बाहर होते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा जो है एरिया रिक्वायर्ड रहता है. तो ये मेन सिटी में आपको इस तरह के वेयरहाउसेस नहीं दिखेंगे, ये आपको सारे वेयरहाउसेस सिटी के बाहर, जिसे हम लॉजिस्टिक्स हब्स भी कहते हैं, वो आपको मिलते हैं. देन हियर इट कम्स द इन्वेंटरी मैनेजमेंट. अगर जो है सप्लाई चेन हो गया है, प्रोडक्ट का मूव हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया है, बनने के बाद अगर एक वेयरहाउस में आके स्टोर भी हो गया है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? फिर ये इंडस्ट्री में अगला स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सो इट इज इन्वेंटरी मैनेजमेंट. राइट, इन्वेंटरी किस तरह से मैनेज की जाती है? सो इन्वेंटरी मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग अ कंपनीज इन्वेंटरी. कंपनी की जो है इन्वेंटरी मैनेज करती है. दिस इंक्लूड्स द मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, एज वेल एज वेयरहाउसिंग एंड प्रोसेसिंग सच आइटम्स. इन्वेंटरी मैनेजमेंट इज बेसिकली, अगर हम पुरानी बात करें तो एक डेटा मैनेजमेंट होता है, एक एंट्री मैनेजमेंट होता है. किस तरह का रॉ मटेरियल आया, कितना आया है, किस क्वांटिटी में आया है, इसका पूरा मैनेजमेंट एक इन्वेंटरी के थ्रू किया जाता है. देन फिनिश गुड्स कहाँ पे रखे हुए हैं, देन कितनी क्वांटिटी में रखे हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स कितने हैं, अगर कोई FMCG प्रोडक्ट्स हैं वो कितने हैं, तो इनकी पूरा जो हम कहते हैं पूरा हिसाब हम कहते हैं, या फिर हम पूरा एक सिस्टम कहते हैं, ये पूरा इन्वेंटरी मैनेजमेंट के थ्रू ही रखा जाता है. विदाउट इन्वेंटरी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा और आपके जो प्रोडक्ट्स है वो मिक्सअप हो जाएंगे एंड आपको रिकॉर्ड्स ही नहीं मिल पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में आया था, क्या रॉ मटेरियल, क्या कॉस्टिंग पे. सो इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो है वो पूरी सारी चीजों को एक सिस्टमैटिक तरीके से फ्लो करता है. देन ये आप कुछ लॉजिस्टिक्स कंपनीज देख रहे हैं. आई एम श्योर इसमें से आप में से बहुत सारे लोगों ने इस तरह से जो कंपनीज हैं, DHL है, FedEx है, देन पैनल पीना है, देन BDP है, लैंड स्टार है, देन बरिस है, राइट, एक्सपो लॉजिस्टिक्स है, इनमें से आपने बहुत सारी कंपनीज के नाम सुने होंगे. ये हमने वर्ल्ड की जो है लॉजिस्टिक्स कंपनीज के कुछ नाम आपके लिए रखे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं. सो दीज ऑल आर लॉजिस्टिक कंपनीज. एंड ये भी आपने बहुत से लोगों ने इसका नाम पढ़ा हुआ है. सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड लॉजिस्टिक्स, मतलब एवरी ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर लॉजिस्टिक्स. लॉजिस्टिक्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड होता है. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री की जरूरत होती है. बिकॉज दिस इंडस्ट्री ना, हमारी बेसिक चीजें भी हम तक नहीं पहुंचेगी. अगर हम इंडस्ट्री जो है इस इंडस्ट्री का यूज नहीं करते हैं, तो प्रोडक्ट बनने के बाद किस तरह से मार्केट में पहुंचेगा? इट इज नॉट पॉसिबल अगर लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री नहीं होती है. जैसे आप देख रहे हैं वॉलमार्ट का नाम देख रहे हैं, मोबाइल का देख रहे हैं, देन नेस्ले है, लेगो है, हॉट व्हील्स है, लैंड रोवर है, फ्लो मास्टर है, कोलगेट है, चिलीज है, डेल है. There are lots of companies, XYZ, there are, you know, lakhs and crores of companies are there who require in day-to-day life logistics and supply chain industry for their business. Then what are the skills required to be the part of the industry? अब हमने इंडस्ट्री समझ लिया है, ठीक है, बहुत सिंपल है. लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री अगर हम दो टर्म में अगर इसको करें तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री. जितना ये इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड होती है उतना ये इंडस्ट्री स्मूथली चलती है, आगे एक्सपैंड होती है. सो अगर हमें इस इंडस्ट्री का पार्ट बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं? क्या हमें वो स्किल्स है?
राइट, कि हम इस इंडस्ट्री का पार्ट कर सकते हैं. लेट मी टेल यू ईच एंड एवरी वन यू, आप में से हर कोई इस इंडस्ट्री का पार्ट बन सकता है, चाहे उसने ग्रेजुएशन किया है, नहीं किया है, एमबीए है, इंजीनियर है, सिंपल बीए है, बीकॉम है, या फ्रॉम एनी अदर यू नो जो है फील्ड से आप अगर ग्रेजुएट हैं, या आपने 12th तक भी स्टडी किया है, तब भी आप लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री का पार्ट बन सकते हैं अगर आप में ये सारी स्किल्स हैं तो. These are the skills required. So first is interpersonal skills. कोई मुझसे शेयर करेगा interpersonal skills क्या होते हैं? Any one of you, आप जितने भी participants हैं, आप कोई शेयर करना चाहेगा interpersonal skills क्या होते हैं और क्या आप में वो skills हैं? Any one of you can raise your hand. आप raise कर सकते हैं अपना hand. या किसी को भी पता नहीं है interpersonal skills क्या होता है? ओके ओके, आई विल टेल यू, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सो इंटरपर्सनल स्किल्स इज बेसिकली योर नॉलेज ऑफ द इंडस्ट्री एंड आपकी जो एबिलिटी है लाइक स्पीकिंग, योर यू नो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थिंग्स, आप अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हो किसी इंडस्ट्री में या किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, दैट इज इंटरपर्सनल स्किल्स, राइट. दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ इंग्लिश ही आना चाहिए या आपको सिर्फ हिंदी ही आती है तो क्या है, आपके पास जो है पूरा डोमेन इंडस्ट्री एक पूरा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप जो है इंटरपर्सनल स्किल्स जो है आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं उस इंडस्ट्री में. देन कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है, हाउ यू विल रिप्रेजेंट योरसेल्फ, आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में. सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज बेसिकली आप किसी भी लैंग्वेज में जो है वो इंडस्ट्री में बात कर सकते हो. अगर आप किसी ऐसी जगह, आप तमिलनाडु में हो तो यू कैन टॉक इन तमिल लैंग्वेज, क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोकलाइट होते हैं, वो नॉर्मली जो है अपनी होम लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज में बात करते हैं. सो कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट अबाउट ओनली स्पीकिंग इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश बोलना है यही कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, या आप किसी भी लैंग्वेज में अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. देन डोमेन नॉलेज, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करने जा रहे हैं, आप फॉर एग्जाम्पल आप खुद लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री में ही काम कर रहे हो, आपके पास इस इंडस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. डोमेन नॉलेज आपको काफी जरूरी होता है, तभी आप इस इंडस्ट्री में जो है बहुत इजीली काम कर पाएंगे. देन ग्लोबल अवेयरनेस, ग्लोबल अवेयरनेस मतलब वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है, वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री किस तरह से काम कर रही है, इसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है. बिकॉज सिर्फ इंडिया में ही आपको काम करना है ऐसा जरूरी नहीं है, यू कैन वर्क ऑन इंटरनेशनल लेवल्स, आप इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री जो है ना वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं है, इट इज एन इंटरनेशनल मार्केट. तो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जो है वो सिर्फ इंडिया में रिक्वायर नहीं होती है, ये ऑलमोस्ट वर्ल्ड में रिक्वायरमेंट रहता है इसका. तो आप इंडिया के किसी भी पार्ट में जाके काम कर सकते हो, या आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाके आप जो है लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हो. तो आपको अब ग्लोबल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी होता है. देन एक्सेल स्किल्स होती है, आपको कंप्यूटर नॉलेज और सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत नॉलेज, एडवांस एक्सेल, ये सारी आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, सो यू कैन वर्क इन दिस इंडस्ट्री. देन लर्निंग स्किल, लर्निंग स्किल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सो यू आप में अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी चीज को बहुत जल्दी ग्रास्प कर सकें या आप लर्न कर सके. सो लर्निंग स्किल बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि हर किसी को हर कोई चीज पता नहीं होती है इस इंडस्ट्री में, तो आप वहां जाके वो चीज सीख सकते हैं. देन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग आपका जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इंडस्ट्री में. अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रोडक्ट को लेके क्या डिसीजन लेना है, ये प्रोडक्ट आप कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप ये प्रोडक्ट भेजना चाहते हो, सो दैट इज डिसीजन मेकिंग. तो ये क्वालिटीज अगर आप में है तो यू कैन ईजिली वर्क इन लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री. देन ये कुछ कंपनीज हैं, हमने सिर्फ इसमें 6 मेंशन किए, देर आर 1000+ कंपनी जो रेगुलरली अपॉर्चुनिटीज देती हैं कैंडिडेट्स को इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए. डिलीवरी का नाम सभी ने सुना होगा, देन रिविगो इज देयर, देन ब्लू लाइन लॉजिस्टिक्स, देन गति, स्पॉट ऑन एंड ई कार्ट लॉजिस्टिक्स. ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें रेगुलरली हायरिंग्स चलती रहती है, रेगुलरली इसमें स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है. अगर आप ट्रेंड हो या आपके पास अगर नॉलेज है लॉजिस्टिक्स SCM इंडस्ट्री का, डोमेन नॉलेज है, आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो डेफिनेटली ये इंडस्ट्री आपको प्रायोरिटी पे हायर करती है. देन इन वर्ल्ड विदाउट लॉजिस्टिक्स एंड SCM, क्या पॉसिबल है इन चीजों के बिना, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री के बिना ये प्रोडक्ट्स हम तक पहुंच पाए? तो फूड है इसमें, मेडिसिन हैं, ऑटोमोबाइल्स प्रोडक्ट्स हैं, डेली नीड प्रोडक्ट्स हैं, क्लोथ्स हैं, फुटवेयर हैं, एंड मेनी मोर.
ये हमने बहुत कम चीज मेंशन की है, शायद ही ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो हमें लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री के बिना हम तक अवेलेबल हो पाता है. सो विदाउट लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल नहीं है. देन लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्शंस क्या है, लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री आगे किस तरह से ग्रोथ करने वाली है, ये मार्केट रिसर्च के बाद हमने यहाँ पे मेंशन किया है. सो अकॉर्डिंग टू रिसर्च एंड मार्केट्स, द ग्लोबल लॉजिस्टिक्स मार्केट वाज वर्थ 10.32 बिलियन यूएसडी $ इन 2017 एंड इट इज एस्टिमेटेड टू ग्रो टू 12.68 बिलियन यूएसडी बाय 2023 विद अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 8.49% बिटवीन 2017 एंड 2023. 2017 में जो है इसका ग्रोथ रेट कम था, लेकिन 2023 तक 8.49% जो है वो ग्रोथ रेट से ये इंडस्ट्री बढ़ने वाली है. दैट मीन्स एवरी मंथ इस इंडस्ट्री में अगर आप न्यूज़पेपर्स देखते हैं या आप न्यूज़ देखते हैं, रोज एक न्यूज आपको लॉजिस्टिक्स SCM रिलेटेड डेफिनेटली मिलेगी बिकॉज दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रही है. एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में सालाना 1,000,000 से ज्यादा रोजगार के मौके, अगर आप ये देखेंगे पेपर कटिंग है, आप में से बहुत लोगों ने आई थिंक ये गो थ्रू किया होगा, पेपर्स में देखा होगा, या आप अगर अभी इंटरनेट यूज करते हैं तो आप अपना फेसबुक अकाउंट भी जब यूज करते हैं आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, बहुत सारी लिंक आती है, आप वहां जाके भी न्यूज देख सकते हैं. तो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में सालाना 1,000,000 से ज्यादा रोजगार के मौके, मतलब एवरी ईयर इस इंडस्ट्री में 1,000,000 से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती है. 2023 तक जो है, मतलब ऑलमोस्ट एक साल बाद, इस इंडस्ट्री में 2.5 करोड़ लोगों की रिक्वायरमेंट है. और किसी भी इंडस्ट्री में इतने लोगों की रिक्वायरमेंट तभी होती है जब कोई इंडस्ट्री बहुत तेजी से एक्सपेंड करती है, जब बहुत तेजी से ग्रो करती है, राइट. और आप यहाँ पे देख सकते हैं अगले 5 वर्षों में जॉब के ऑफर्स आप देख सकते हैं. तो पैसेंजर्स रेलवे आप देख सकते हैं, कुरियर सर्विसेज देख सकते हैं, पैसेंजर रोडवेज देख सकते हैं, रेल फ्रेट देख सकते हैं, रोड फ्रेट एंड वेयर हाउसिंग में कितने परसेंट लोगों की जो है इस इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है. ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है जो लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री में आपको मिलती है. कई लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हम इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो क्या हमें ग्राउंड लेवल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या क्या हमें कोरियर सर्विस या डिलीवरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो नो, इट इज नॉट लाइक दैट. अगर आप ट्रेंड हो, अगर आपने एक अच्छा सर्टिफिकेशन किया है, तो आप लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से आप ग्रो कर सकते हैं और बहुत अच्छी आपको जो है अपॉर्चुनिटीज मिलती है. डेजिग्नेशन है, सो उसमें डेजिग्नेशन आपके स्टार्ट होते हैं, ऑपरेशन असिस्टेंट हो सकता है या ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव हो सकता है, देन सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, देन असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, वेयरहाउस मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर एंड जोनल मैनेजर. इस तरह के डेजिग्नेशंस जो है वो आप इस तरह से आप इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हैं. देन जॉब अपॉर्चुनिटीज इन ई कॉमर्स, अगर हम बात कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री की, तो ई कॉमर्स इज द मेन इम्पॉर्टेंट, यू नो इट्स प्लेइंग द मेन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ई कॉमर्स. ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स इज बेसिकली ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज. जो ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज होती है वो किस तरह से अपना काम करती है, दिस इज ई कॉमर्स. आप और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग से ही 99% आजकल जो है प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से प्रोडक्ट हो, चाहे शूज हो, एपरल्स हो, इवन मेडिसिन भी आजकल लोग जो है वो ऑनलाइन थ्रू मंगवाते हैं. सो ई कॉमर्स जो है उसके भी इंडस्ट्री ग्रो करने में लॉजिस्टिक्स एंड SCM इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. सो वॉट इज ई कॉमर्स? E-commerce refers to any form of business transaction conducted online. किसी भी तरह के business transaction होते हैं online, that is e-commerce. The most popular example of e-commerce is online shopping. Online shopping जो है वो most common example है कि e-commerce किस तरह से काम करती है, which is defined as buying and selling of goods via the internet on any device. आप अपने मोबाइल से शॉपिंग कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो. However, e-commerce can also entail other types of activities such as online auctions, payment gateways, online ticketing and internet banking. आप किसी चीज की बुकिंग कर रहे हो, आप इंटरनेट बैंकिंग कर रहे हो, तो वो भी एक तरह से e-commerce इंडस्ट्री का ही पार्ट है.
Then logistics plays a major role in e-commerce. Without logistics, distribution of the product is not possible. जैसे मैंने कहा logistics and supply chain industry जो है e-commerce industry का भी जो है main role play करती है. Without logistics and SCM industry कोई भी product e-commerce move नहीं करता है. आप online shopping करते हो, आपके घरों तक जो products आते हैं वो लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के थ्रू ही विदिन 24 आवर्स या 48 आवर्स में कोई प्रोडक्ट आपने जो है भले ही आपने हिमाचल प्रदेश पे ऑर्डर किया है लेकिन गुजरात तक वो प्रोडक्ट मैक्सिमम 42 आवर्स में 54 आवर्स में आपके घर तक वो चीजें पहुंच जाती है बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री. देन दिस इज ई कॉमर्स कंपनीज. कुछ हमने नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं टू नो इट बेटर. जैसे पेपरफ्लाई है, जेबोंग है, ई बे है, मिंत्रा है, अमेजोन है, ये भी है, शॉप 18 है, स्नैपडील है, शॉप क्लूज है, फ्लिपकार्ट है. ये मेजर कंपनीज हमने नाम यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि 99% लोग इस वेबसाइट से डेफिनेटली लोगों ने शॉपिंग किया होगा. आप में से भी कई लोगों ने शॉपिंग किया होगा इन वेबसाइट से. एंड दिस इज ई कॉमर्स प्रोजेक्शन. अगर आप लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप सिर्फ लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में जाओ या सप्लाई चेन में जाओ. आप ई कॉमर्स में भी अपना करियर बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं. और ये कैसी इंडस्ट्री है? रिसेशन फ्री इंडस्ट्री है. ये इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होने वाली है. इनफैक्ट आगे फ्यूचर में जाके ये इंडस्ट्री और अच्छे से ग्रो करने वाली है. तो इन 2020 रिटेल ई कॉमर्स सेल्स वर्ल्ड वाइड अमाउंटेड टू 4.28 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स एंड ई रिटेल रेवेन्यूज आर प्रोजेक्टेड टू ग्रो टू 5.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स इन 2022. ऑनलाइन शॉपिंग इज इन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन एक्टिविटीज वर्ल्ड वाइड. ऑनलाइन शॉपिंग और अच्छे से ग्रो होने वाली है काफी अच्छी फैसिलिटीज के साथ, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ. एंड ऑनलाइन शॉपिंग ये जो बहुत पॉपुलर है, एक बहुत पॉपुलर एक्टिविटी है वर्ल्ड वाइड की. देन नेक्स्ट क्या होने वाला है? नेक्स्ट व्हाट बिग थिंग इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नेक्स्ट इस इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आने वाले हैं? सो फ्रॉम लास्ट माइल डिलीवरी, रोबोट्स एंड सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस टू वेयरहाउस ऑटोमेटेड पिकिंग सिस्टम्स एंड प्रिडिक्टिव ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर, AI is already making a huge difference in logistics. आप देख रहे हैं अभी आपने देखा होगा international logistics या international logistics warehousing hubs में जो है automatic robots work कर रहे हैं. Robot product move करते हैं एक section से और दूसरे section तक से पहुंचाया जाता है. इंटरनेशनल लेवल पे अमेजोन ने अभी ड्रोन से डिलीवरी स्टार्ट कर दी है. ड्रोन जो हवा में उड़ते हैं उनसे डिलीवरीज होना स्टार्ट हो गई. यू कैन सी वीडियोस इन यूट्यूब आल्सो. आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं. यू विल गेट सो मेनी इन्फॉर्मेशन अबाउट दी ड्रोन डिलीवरी. ड्रोन जो है प्रोडक्ट वो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होता है तो प्रोडक्ट मूव करता है और कस्टमर के घर तक जो है ड्रोन से डिलीवरीज हो रही है. और इसी तरह से चीजें हमारे इंडिया में भी होने वाली है बहुत जल्दी. Then shippers, couriers, suppliers and consumers can all expect to benefit from these logistics technology trends continuing in 2021. Then here it comes, what is 3PL? 3PL kya hota hai? Third party logistics ka matlab kya hota hai? Third party logistics is a supply chain model that involves three parties. Isme teen parties involved rehti hai. Agar aapko apna kuch business bhi start karna hai तो इट इज नॉट लाइक दैट कि आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी आपका हो या ट्रांसपोर्टेशन भी आपका हो या स्टोरेज वेयरहाउस भी आपका हो. ये कंपलसरी नहीं होता है. आप किसी अदर दो पार्टी के साथ मिलके भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. जैसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं देन आप लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर के साथ टाई अप कर सकते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है, राइट? तो ये एक आप प्रोडक्ट कहीं और मैन्युफैक्चर हो सकता है देन दूसरी पार्टी जो होती है वो वेयरहाउसिंग मैनेजमेंट देख सकती है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट देख सकती है एंड थर्ड पार्टी जो होती है वो ट्रांसपोर्टेशन मैनेज कर सकती है. सो 3PL इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स. जरूरी नहीं है जितनी भी कंपनीज इस इंडस्ट्री में काम कर रही है ये तीनों पार्टी उन्हीं की हो. ये सारे मिक्सअप होके काम करते हैं इस इंडस्ट्री में. सो आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. देन दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स. डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स क्या है? Distribution logistics involves the arranging errands, control and all procedures concerning the flow of goods and information between manufacturing companies and clients. Then distribution logistics, otherwise called transportation logistics or sales logistics, is the connection or link between market and production. Then the zone contains all procedures engaged with the distribution of merchandise from manufacturing organizations to customers.
Then customers could be final end users, wholesalers, distributors, or processors. It ensures that the manufactured goods and services reach the customer safely and quickly. Distribution logistics, जैसे हमने पहले भी slides में बताया, distribution logistics एक simple जो है organized process होता है, जिसमें customer को safely and quickly जो है वो products distribute किए जाए. Then important point from first manufacturer to end of second manufacturer with final goods. ये एक पूरा chart आप देख सकते हैं. इसमें किस तरह से प्रोडक्ट है जो है रिवॉल्व होता है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक्स अपना वर्क करता है. तो दिस इज फ्रेट मैनेजमेंट. फ्रेट मैनेजमेंट मतलब एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट होता है, राइट. एंड देन इसके बाद में ट्रांसपोर्ट स्टार्ट होता है उस प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट के थ्रू. देन कस्टम मैनेजमेंट होता है, कस्टम क्लियरिंग होता है. अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर किए जाते हैं, कस्टम क्लियरिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं. देन फ्लीट मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्ट जब एक बार ग्राउंड पे आ जाता है तो किस तरह से सिस्टमैटिक उसको जो है अरेंज किया जाएगा, ये फ्लीट मैनेजमेंट होता है. देन इसके बाद वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट होता है, प्रोडक्ट को एक वेयर हाउस में स्टोर किया जाता है. फिर जब इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो अगेन ये फ्रेट मैनेजमेंट वाला सर्कल स्टार्ट होता है. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक सर्कल. Then this is type of logistics. Logistics कितने तरीकों से होता है. So international logistics होता है and domestic logistics होता है. मतलब international logistics मतलब according to the Council of Logistics Management, logistics is the management process of planning, implementing and controlling the physical and information flow concerned with materials and final goods from the point of origin to point of usage. International logistics involves the management of these resources in a company supply chain across at least one international border. International logistics हम तभी कहेंगे जब कोई भी product at least एक international border cross करके जाता है. मतलब India की border अगर उस product ने cross करी है तो it comes under international logistics. Then what is domestic logistics? Domestic logistics क्या होता है? So domestic logistics means distributing goods within your country, while international logistics deals is the transportation of goods beyond your country. Domestic logistics होता है अगर interstate अगर कोई product जा रहा है एक state से, for example गुजरात से महाराष्ट्र जा रहा है या महाराष्ट्र से MP जा रहा है, तो इट कम्स अंडर डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स. देन डीलिंग विद डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन इज वे डिफरेंट देन दैट ऑफ इंटरनेशनल बिकॉज प्रॉक्सिमिटी इन्वॉल्व्स इन द प्रोसेस. डोमेस्टिक प्रोडक्ट वे डिफरेंट है, बहुत अलग है इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स से, क्योंकि डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स में तो इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट रहता है, लेकिन इंटरनेशनल में जो है एक बॉर्डर क्रॉस करके जाता है तो बहुत सारे उसमें जो है सिस्टम्स और बहुत सारी जो है पेपर वर्क रिक्वायर्ड होता है इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स. देन इंडस्ट्री अगर हमने कर ली है तो अब जो है एक दिमाग में एक चीज आती है कि व्हाट शुड यू डू विथ योर लाइफ. आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है. आप सभी जितने भी यहाँ पे आए हैं, वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, करियर ओरिएंटेड वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, दैट मीन्स यू ऑल आर समहाउ सीरियस. आप में से बहुत सारे लोग जो है वो सीरियस हैं अपने करियर को लेके, एंड थोड़े बहुत कंफ्यूज भी होंगे कि उनको लाइफ के साथ क्या करना चाहिए, किस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, किस इंडस्ट्री में उन्हें जॉब स्टेबिलिटी मिलेगी, लॉन्ग टर्म के लिए वो काम कर सकते हैं उस इंडस्ट्री में. सो आई विल एक्सप्लेन यू दैट. अगर आप लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आपको हेल्प करता है. हम आपको हेल्प करते हैं इस इंडस्ट्री में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जो है अगर आप फ्रेशर हो तो आपको इतनी जल्दी जो है एंटरटेन नहीं करती है इंडस्ट्री, आपको प्रायोरिटी पे सिलेक्शन आपका नहीं होगा. लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में ट्रेंड हो, आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है, तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री में अपना करियर बना सकते हैं. देन 3 months फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग प्रोग्राम कवरिंग 1 year करिकुलम. आप लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का 3 months का ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स का प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज कम्प्लीटली एडवांस लेवल प्रोग्राम जिसमें इंडस्ट्री के सारे मेजर मॉड्यूल्स जो है वो इंक्लूड हुए हैं, रिलेटेड टू लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, एयर कार्गो, रेलवे ऑपरेशंस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन रिवर्स लॉजिस्टिक्स, देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ई कॉमर्स, सारे मेजर इंडस्ट्री के मॉड्यूल्स जो आप अगर किसी 1 year डिप्लोमा में करते हैं, सेम हमने फास्ट ट्रैक में 3 months में एडवांस लेवल में इंक्लूड किए हैं. देन स्टार्टिंग फ्रॉम 2nd month ग्रूमिंग सेशंस एंड इंडस्ट्री कनेक्ट विल स्टार्ट.
सेकेंड मंथ से आपका ग्रूमिंग सेशन स्टार्ट हो जाते हैं और इंडस्ट्री कनेक्ट मिलना आपको स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, स्टूडेंट्स का नेटवर्क है, बिजनेस ओनर्स का नेटवर्क है, तो यहाँ पे आप काफी लोगों से मिलते हैं जो आपकी कनेक्टिविटी इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रॉन्ग करता है. देन दिस प्रोग्राम इज डबल सर्टिफिकेशन विल बी अवॉर्डेड. ये प्रोग्राम एक डबल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है जिसमें आपको डुअल सर्टिफिकेशन मिलता है. पहला सर्टिफिकेट आपको मिलता है प्रोग्राम कंप्लीशन का, 3 months एडवांस लेवल प्रोग्राम इन लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. एंड सेकेंड सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप का मिलता है GFE ग्रुप का, जिसके 1000+ बेनिफिट्स हैं जो आप हमारे एक्सपर्ट जो है उनके थ्रू अवेल कर सकते हैं. देन लाइफ टाइम करियर हेल्पलाइन, आपको यहाँ पे आपके करियर रिलेटेड काफी सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. देन बेसिक टॉपिक्स जो इसमें कवर होते हैं, आई जस्ट रीड इट आउट. इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, SRM, CRM, देन सोर्सिंग एंड परचेजिंग, सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट. सोर्सिंग एंड परचेजिंग जो है वो परचेज डिपार्टमेंट एंड इसके टाइप्स भी इंक्लूड होते हैं. इंट्रोडक्शन ऑफ लॉजिस्टिक्स फंक्शंस, लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, रिवर्स लॉजिस्टिक्स, 3PL, वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, हेल्थ एंड सेफ्टी, एक्सेल क्लासेस, जो एडवांस एक्सेल, 90% लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री जो है आज इंडिया में एडवांस एक्सेल के थ्रू ही अपना जो है सॉफ्टवेयर रन करती है, आपको वो भी इसमें कवर होता है. देन इंट्रोडक्शन टू वेयर हाउसिंग, देन वेयर हाउसिंग प्रोसेस, वेयर हाउसिंग, देन इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लस मॉक इंटरव्यूज. इस इंडस्ट्री में अगर आपने एंटर करना है तो किस तरह से आप इंटरव्यू फेस करते हैं, राइट, आपके मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं. सो जब आप रियल में इंटरव्यूज देते हैं कंपनीज में, सो आप बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं. देन वॉट वी प्रोवाइड, हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. हम आपको ट्रेनिंग ऑन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, जो कंप्लीट डोमेन इंडस्ट्री नॉलेज रहता है. देन ग्रूमिंग सेशंस रहते हैं आपके, देन इंटरव्यू प्रिपरेशन सेशंस रहेंगे, देन मॉक इंटरव्यूज रहते हैं, देन इंडस्ट्री कनेक्ट रहता है, एक्सेल के स्पेसिफिक सेशंस रहते हैं, राइट. देन लॉजिस्टिक्स प्रोग्राम फीस होती है. अगर आप इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं डुअल सर्टिफिकेशन कंप्लीट नॉलेज के साथ, तो आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं. इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो एनी ग्रेजुएट कर सकता है, डिप्लोमा होल्डर एंड सर्टिफिकेट होल्डर भी ये प्रोग्राम कर सकता है. फॉर इंडिया द फीस इज 25,000 ओनली, इंक्लूसिव ऑल योर ग्रूमिंग सेशन, एकेडमिक सेशंस, एडवांस एक्सेल क्लासेस, स्टडी मटेरियल, हैंड होल्डिंग, करियर सपोर्ट, एंड आपको जो है हमारे एक्सपर्ट के थ्रू लाइफ टाइम करियर गाइडेंस मिलता है. देन दीज आर द सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ आर हमारे जो है CEO है कंपनी के, डायरेक्टर है मिस्टर वैभव शर्मा, उनके आप पिक्चर्स देख सकते हैं. एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात मिस्टर रुपेश रूपाणी जी के साथ भी जो है, विजय रूपाणी जी के साथ पिक्चर्स आप देख सकते हैं, जो प्रमोट करते हैं ट्रेड को गुजरात में. देन दिस इज द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड का आप एक पिक्चर देख सकते हैं इसमें, जो हमारे डायरेक्टर मिस्टर वैभव शर्मा जी सर को मिला है. Then you can see the Asian African Chamber of Commerce year 2020 and widest global presence award in 2021. ये award भी हमें मिला है. Then this is the team GFE, आप देख सकते हैं. आपको कोई भी क्वेरी अगर करनी है या लाइफ टाइम आपको फ्री करियर सपोर्ट चाहिए इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए, आप अपने गूगल प्ले स्टोर में फोन पे जाके आप ग्लोबल फेडरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे आपको इंडस्ट्री रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, करियर ऑप्शन, सभी चीजों पर आपको अपडेशन मिलेगा. या फिर आपको कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9313808225 पे, या आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, अपना काउंसलिंग सेशन भी आप बुक कर सकते हैं. आपको करियर रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको करियर रिलेटेड कोई भी डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है, तब भी आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं. थैंक यू. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. आई हैव सीन सो मेनी चैट विंडोज में काफी चैट्स हैं, सो हम देख लेते हैं. आई थिंक किसी की कुछ क्वेरी है, और अगर आप अपनी क्वेरीज रेज करना चाहते हैं यहाँ पे, सो प्लीज आप मुझे अभी हैंड रेज कर सकते हैं एंड अपनी क्वेरीज कर सकते हैं. प्रग्नेश वर्दे जी ने मुझे कुछ क्वेश्चन पूछा है. प्रग्नेश आप हैं इसमें अभी, सो आप अनम्यूट कर सकते हैं अपना माइक प्लीज, सो आई वुड लाइक टू हैव कॉन्वर्सेशन विथ यू.
आपके साथ कॉन्वर्जेशन होगा मेरा। हेलो, हाँ जी प्रग्नेश, प्रग्नेश आपने क्वेरी किया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आपने कोर्स किया है सो उनको भी अलग पे करना है राइट? हाँ, आपने कौन सा कोर्स किया है प्रग्नेश? एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंपोर्ट का ही है। कहाँ से किया है आपने? जीएफई से ही। जीएफई से किया है। दोनों कोर्सेज अलग होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अलग है, ये आपका बिजनेस सेटअप रिलेटेड कोर्स होता है जो आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, एंड लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन कोर्स जो है वो बहुत डिफरेंट होता है जिसमें आप अपना करियर स्टार्ट करते हैं, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो दोनों कोर्स की फीस अलग होती है। आपने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया है तो आप हमारे एस्टीम्ड क्लाइंट होते हैं, तो लॉजिस्टिक्स अगर आप ज्वाइन करते हैं कोई प्रोग्राम तो उसमें आपको जो है कुछ कंसेशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा, बट यस यू विल हैव टू पे द फीस, आपको रिमेनिंग फीस जो है वो पे करनी रहती है। और किसी की कोई क्वेरी है सो प्लीज मुझे आप कर सकते हैं, कोई क्वेरी पूछ सकते हैं आप। किसी की कोई क्वेरी है सो यू कैन रेज योर हैंड सो दैट आई कैन हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी। यस ओप्पो F1S। हेलो, यस, हाँ मैम, हाँ जी कौन बात करें, आपका नाम बताएंगे प्लीज? गजानन सोलंकी बात करो। गजानन महाराष्ट्र से। हाँ जी गजानन बोलिए। मैम अभी मैंने करियर स्टार्ट किया है लॉजिस्टिक में, मैं अभी फ्रेशर हूँ, बीकॉम हुआ है मेरा। ओके, तो मेरे लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है मैम ये लॉजिस्टिक में, कुछ चाहिए आपकी तरफ से, क्या बताएंगे आपके मेरे लिए क्या 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 है ये लॉजिस्टिक करियर में? तो गजानंद आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं अभी और किस प्रोफाइल पे कर रहे हैं? मैं एक्सपीडाइटर में काम कर रहा हूँ मैम। ओके, एक्सपीडाइटर लॉजिस्टिक। ओके, एंड कौन सा प्रोफाइल है आपका? मैं अभी फ्लोर असिस्टेंट के लिए काम कर रहा हूँ मैम। फ्लोर असिस्टेंट। ओके ओके, सो आप क्या चाह रहे हैं? ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूं मैं। ओके, आप ग्रो करना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में, बढ़ना चाह रहे हैं आप आगे? हाँ मैम, हाँ मैम। सो अभी कितना टाइम हुआ है आपको इस इंडस्ट्री में जॉब करते हुए? मुझे अभी 1 साल हो रहा है मैम। ओके, ठीक है गजानन, अगर आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो ना तो आपकी कंपनी आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स पे जो है वो ट्रेनिंग नहीं देगी। अगर आप इसी प्रोफाइल पे काम कर रहे हो तो कंपनी यही चाहेगी कि आप ये प्रोफाइल पे ही काम करते रहिए, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इंडस्ट्री के सभी प्रोफाइल्स का जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री बहुत वास्ट इंडस्ट्री है, अभी आप सिर्फ फ्लोर जो है असिस्टेंट के पोजिशन पे है, मतलब आप मटीरियल मैनेजमेंट वाला प्रोफाइल कर रहे हो राइट? So, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी नॉलेज ले सकते हो, आप ई कॉमर्स भी ले सकते हैं, आप रेल कार्गो ले सकते हो, आप एयर कार्गो में नॉलेज ले सकते हो, और इसके बाद आप अपना प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। इंडस्ट्री तो डेफिनेटली यही रहने वाली है आपकी, क्योंकि आपने इंडस्ट्री बहुत अच्छी चूज की है, तो इंडस्ट्री आप चेंज मत करिए। आप सिर्फ अपना प्रोफाइल ग्रो कर सकते हो, आप ट्रेनिंग और नॉलेज लेने के बाद जीएफई के सपोर्ट से आप एक अच्छे प्रोफाइल पे जाके आप आराम से अब लॉन्ग टर्म के लिए अपना काम कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन था मैम। जी बोलिए। मैम जैसे कि जीएफई ग्रुप में अगर ज्वाइन होने के बाद, जी अगर मैं ज्वाइन हो गया जीएफई ग्रुप में, जी तो प्लेसमेंट का इसी क्या प्लेसमेंट होगा क्या मैम मेरा इसमें? प्लेसमेंट का सपोर्ट, यस हम लोग प्लेसमेंट सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग के बाद आपको 100% प्लेसमेंट का असिस्टेंस दिया जाता है, दैट मींस आपके इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है पैन इंडिया लोकेशन की। आप जिस प्रोफाइल के लिए कंफर्टेबल होते हैं आप हमें यस करते हैं, आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, एंड देन पूरा प्रोसेस वी हैव प्लेसमेंट टीम, हमारी प्लेसमेंट टीम है जो पूरा आपको गाइड करती है, सपोर्ट करती है। और अगर आप किसी इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हो तब भी आपको कई अपॉर्चुनिटीज जीएफई ग्रुप जो है वो कंटिन्यू प्रोवाइड करता है, जब तक आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रैक नहीं कर लेते हैं इस इंडस्ट्री में अपने लिए। ओके मैम, और मैम सॉरी एक और क्वेश्चन है मैम। जी हाँ, तो मैम जैसे कि आपने आपने कहा कि बेसिक एक्सेल
एडवांस एक्सेल, इसके अलग से क्लास करने पड़ेंगे क्या मैम कि ये कोर्स में वो कवर हो जाएंगे? ये इसी कोर्स में कवर है, क्योंकि हमने ये कोर्स ही इस तरह से डिजाइन किया है। अमेजोन ने ये पूरा प्रोग्राम डिजाइन किया, जो एक इंटरनेशनल ब्रांड है आज अमेजोन, जो है ई कॉमर्स में टॉप पे है SCM इंडस्ट्री में। तो इसमें हमने ये सारी चीजें इंक्लूड की है कि आप डोमेस्टिक एज वेल एज आप इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छे से काम कर पाए और आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है जो इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए रिक्वायर्ड है। जैसा कि मैम मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ जी, महाराष्ट्र से पुणे से बात कर रहा हूँ मैं, तो जी, जी। आप अपने जो ऑफिस है जैसा गुजरात में है कि इधर भी फ्रेंचाइज है आपने? देखिए पहले तो आप जी पहले तो आप ये समझो ये एक लोकल इंस्टीट्यूट नहीं है। मैंने आई थिंक आप फर्स्ट स्लाइड से आपने देखा होगा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बिजनेस नेटवर्क एंड बिगेस्ट बिजनेस नेटवर्क ऑफ इंडिया, राइट? तो ये एक लोकल इंस्टीट्यूट नहीं है। तो अलग अलग सिटीज में आपको ब्रांचेज नहीं मिलेगी जहां पे आप 5 या 10 लोग को बैठ के हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। हेड ऑफिस अहमदाबाद में है, सारे ऑपरेशन यहीं से टेक केयर किए जाते हैं हमारे, एंड एक्चुअली इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन। तो मोड जो रहता है वो ऑनलाइन रहता है, लेकिन सारे सेशंस हमारे रहते हैं वो लाइव सेशंस रहते हैं हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड फैकल्टी के थ्रू। जैसे आप अभी पुणे से हैं, उस तरह से बहुत सारे लोग इस वेबिनार में भी होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से होंगे। तो पार्टिसिपेंट्स ऑल इंडिया स्टेट से रहते हैं, समटाइम्स इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स भी रहते हैं। मोड ऑनलाइन रहेगा और हम सिर्फ ग्लोबल प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, तो सो दैट इस प्रोग्राम का बेनिफिट और GFE के साथ जो है नेटवर्क में सभी लोग कनेक्ट हो पाए जो पैन इंडिया लोकेशन से हैं। फिर जो प्लेसमेंट है मैम वो सिर्फ मेरे को, अगर मुझे मेरे स्टेट में चाहिए तो वो मिल सकती है मैम मुझे? देखिए ऐसा है गजानन, आपको प्रेफरेंस दिया जाता है, हम पैन इंडिया लोकेशन की अपॉर्चुनिटीज देते हैं और जो महाराष्ट्र की भी काफी, पुणे की भी काफी अपॉर्चुनिटीज आती है, तो आप वो बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस आपको दिया जाता है आपके स्टेट का। ओके और मैम ये जो सेशन रहेंगे आपने, अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये मुझे वर्किंग आवर में मिलेंगे कि कैसा? मतलब नहीं, ये वीकेंड वीकेंड सेशंस रहते हैं, आप सैटरडे संडे से अटेंड कर सकते हैं, वीकेंड क्लासेस ही होती है, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं वो इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो सैटरडे इवनिंग रहता है, संडे मॉर्निंग रहता है, तो आप इजीली इसको अपने वर्क टाइम के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। एंड मैम इसकी जो फीस है जैसा 25,000, तो एक ही करनी पड़ेगी मैम इंस्टॉलमेंट में कि एक ही इसमें? आप इसके रिलेटेड आप एक मोबाइल नंबर दिया है 9313808225 और चैट विंडो में भी आपको नंबर मिल जाएगा, आप इस पे डायरेक्टली व्हाट्सएप चैट कर सकते हैं या कॉल करके भी फीस रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैम मैं 2 दिन कॉल कर रहा हूँ मैम, लेकिन मेरा कॉल ही नहीं रिसीव किया जा रहा। आप मुझे एक बार पिंग कर दीजिए उस नंबर पे, आई थिंक आपका कॉल मिस हो गया होगा। आपका नाम लिख के आप उस नंबर पे पिंग कर दीजिए, आपको इमीडिएटली रिस्पांस मिलेगा। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। ओके वेलकम। और किसी की कोई क्वेरी है सो प्लीज बता सकते हैं। वारिस अली, यस वारिस। यस मैम, मैम ये जो कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, मैम ये जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे जैसे मान लीजिए हमने ये सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया जी, तो मैम ये एज ए पार्ट ऑफ लोग ये एज ए कहीं पे भी, जैसे मैम मेरे मतलब बिग ब्रदर हैं बाहर में, जैसे ONGC में है वो, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन में, ओके उनका मैम पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है, तो जैसे कि वहाँ पे उन लोगों का मेन फोकस मैम यही सब है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, तो क्या मैम ये सर्टिफिकेशन कोर्स में रिज्यूमे में डाल सकता हूँ या फिर बिल्कुल एज ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल आप डाल सकते हैं और आपको मेंशन भी करना चाहिए, क्योंकि GFE का प्रेजेंस जो है अदर कंट्रीज में भी है, तो लोग GFE को पहचानते हैं, अदर कंट्रीज से भी लोग GFE में कनेक्टेड हैं। आप डेफिनेटली अपने रेज्यूम में मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको ISO सर्टिफाइड मिलेगा विच इज वैलिड इन इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्रीज। यस मैम, लाइक मतलब ये गल्फ कंट्रीज में भी इसका डेफिनेट, यस यस बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेनिफिट देगा आपको सर्टिफिकेशन। मैम ये जैसे कि जो 3 मंथ की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ये इसमें जो मुझे मतलब एक्सेल में मैं उतना नॉलेज नहीं है मुझे, तो ये एडवांस एक्सेल पे ये वर्क कराया जाएगा मुझे? हाँ, ये बेसिक से एडवांस लेवल कवर किया जाएगा आपको पूरा।
बेसिक आप एडवाइस जी 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 मैम, ये आज मतलब ये सैटरडे और संडे दो घंटे के ये ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी? जी 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 वारिस, आप जो नंबर दिया उस पे कॉल कर लीजिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके ओके थैंक यू। ओके थैंक यू। और किसी की कोई क्वेरी है सो प्लीज बताएं। Yes, anyone? किसी की कोई क्वेरी है? आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आई थिंक अगर क्वेरी नहीं है तो हम क्लोज कर देते हैं वेबिनार। आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे 9313808225 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप चैट के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर आप कॉल करके भी हमें इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू ऑल, टेक केयर, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।